अपने प्रयास कहाँ कहाँ जा रहे हैं सर? कहीं नहीं जाएंगे, अच्छा, जाएंगे आ रहे हैं उधर से, बिल्कुल। हाँ आइए, तो आप देख रहे हैं पूरा प्रयास करेंगे। जी जी, टीटी साहब है कहीं जा रहे हैं, कुछ मुंह में गुटखा उठखा लिए होंगे, थूकने जा रहे हैं वाला नहीं। जबकि टीटी साहब यहीं बैठे हुए हैं, इन्होंने कंप्लेन किया है, हमने कहा तो स्मेल आ रहा है। सपोज उसके साथ कोई है तो उसका पीएनआर डाल के शो करते हैं। मैं फाइन आपको एग्जैक्ट पता नहीं, नहीं तो नहीं एग्जैक्ट क्या है वो 400। अच्छा, फेयर कितना है सर? मुरादाबाद से पटना का फेयर कितना है देखना पड़ेगा सर। टू टायर का फेयर कितना है देखना पड़ेगा सर। लगभग 2,200 के आसपास ऐसे ही होगा। ऐसे बोलन था वो। अच्छा सर, ये पैसा रेलवे को, सरकार को, आम पब्लिक किस लिए देती है? अपनी फैसिलिटी के लिए? नहीं तो जनरल में भी जा सकता है स्लीपर। आइए आगे आगे, आप कौन है? कोच अटेंडेंस। कोच अटेंडेंस। आपका काम क्या है? दोनों काम कराया जा रहा है हमसे। तो आपसे दोनों काम कराया जा रहा है? क्या क्या? सफाई का काम कराया जा रहा है, चादर बेडरोल दोनों दीवाराया जा रहा है। पेमेंट मिलता है? पेमेंट तो कट रहा है सर, बोल रहा है कि चादर शॉर्ट हो जा रहा है तो ये शॉर्ट हो रहा है। देख रहे हैं ना, ये गरीब 18,000 पेमेंट मिलता है और इन लोगों को मिलता है 9,000-8,000, यही बात है ना? वो भी 9,000 कहाँ मिल रहा है? वो भी नहीं मिलता है ना, चादर शॉर्ट दिखाया जा रहा है तो इस शॉर्ट दिखा रहा है। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो फाइन होगा, विदाउट टिकट आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। टू टायर हो या फिर थ्री टायर हो या फिर स्लीपर हो, कहीं भी हो, दुर्दशा से गुजरना होगा। चाहे आप कितना भी पैसा दे दीजिए, व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है, सारा का सारा व्यवस्था घपाला। अर्चना एक्सप्रेस में है, जम्मू तवी से पटना जा रही है और हमारे साथ है टीटी साहब। सर नाम क्या हुआ सर आपका? आर के बाजपेयी। अच्छा सर जी, जानना चाहेंगे यदि कोई मुरादाबाद से यदि पटना जा रहा है, यदि उसके पास टिकट नहीं हो, WT हो, उसका फाइन कितना लगता होगा? आप कायदे से तो उसके पास कुछ ना होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो टिकट होना चाहिए। अच्छा, टिकट यदि नहीं है उसके पास, बिल्कुल टिकट नहीं है, तो उसका फाइन कितना होना चाहिए? पहले तो हमारे पास जो है मुरादाबाद लखनऊ चेकिंग स्टाफ था, चेकिंग पॉइंट था, तो लखनऊ के साथ कोई है तो उसका पीएनआर डाल के शो करते हैं। मैं फाइन आपको एग्जैक्ट पता नहीं, नहीं तो नहीं एग्जैक्ट क्या है वो 400। अच्छा, फेयर कितना है सर? मुरादाबाद से पटना का फेयर कितना है देखना पड़ेगा सर। टू टायर का फेयर कितना है देखना पड़ेगा सर। लगभग 2,200 के आसपास ऐसे ही होगा। ऐसे बोलन था वो। हाँ। अच्छा सर, ये पैसा रेलवे को, सरकार को, आम पब्लिक किस लिए देती है? अपनी फैसिलिटी के लिए? अपनी सुविधा के लिए। नहीं तो जनरल में भी जा सकता है स्लीपर। सर आप ट्रेन में हैं, सेकंड टायर में हैं आप, हालांकि आप तो फर्स्ट एसी में बैठे हुए थे, आप हम देखे अभी पता किए तो आप वहाँ बैठे थे, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि सेकंड टायर में लोग इसलिए, पहले लोग थ्री टायर में टिकट कराते थे कि चलिए स्लीपर से बेहतर है, अब लोग थ्री टायर में ना करा के सेकंड एसी में कराता है लोग, चलिए वो थ्री टायर जो है स्लीपर जैसा ही है, लेकिन टू टायर की भी स्थिति बद से बदतर है और कहीं भी साफ सफाई का ख्याल नहीं है। पैसेंजर पैसा देता है, आखिर पैसा किस लिए देता है? अपनी सुविधा के लिए ना सर। अभी देखिए, हाँ। मैंने कल अभी मैसेज किया है। नहीं, मैसेज की बात नहीं, आप मैसेज किए होंगे, हम जो सवाल कर रहे हैं सिर्फ इसका जवाब दीजिए सर कि ये जो पैसेंजर है आम पर, ये लोग सुबह से ही, मैं तमाम चूंकि मैं इसी ट्रेन में मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, वो तमाम पैसेंजरों से जो हमारी बात हुई, ये लोग कह रहे हैं कि लगातार अर्चना एक्सप्रेस की यही स्थिति रहती है। और दूसरा चीज़ कि कहीं भी सुबह से कल से साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, साफ़ सफाई भी हो रहा है तो उस तरह साफ़ सफाई नहीं हो, अभी भी स्मेल आ रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और ऊपर से ट्रेन का जो ये आप देख रहे हैं ना स्थिति क्या, अभी ट्रेन का देख रहे हैं, लेट है ना। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, कंट्रोल को मैंने भी मैसेज किया, ये देखिए सर एक क्वेश्चन और मेरा। जी सर, यदि तत्काल टिकट हम लेते हैं, मेरा टिकट कन्फर्म हो गया है, लेकिन किसी कारणवश मुझे नहीं जाना हो, तो उसका पैसा वापस होगा कि नहीं? अब पैसा तो सर तत्काल में पैसा वापस नहीं होता है, टोटल पैसा लग जाता है, लेकिन तत्काल टिकट लेकर हम चढ़ते हैं और 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा ट्रेन विलंब हो जाती है, तो वैसे स्थिति में सरकार को कुछ करना चाहिए कि नहीं पैसेंजर के लिए? कायदे से तो करना चाहिए, मगर रेल पैसेंजर भूखे मर रहे हैं, पैसेंजर को पता है कि मुझे इतने बजे तक पहुँच जाना है, लेकिन घंटों लेट रहती है ट्रेन, सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि ये साफ़ सफाई के मामले, इतनी गंदगी से लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कोई इसका आवाज़ उठाने वाला नहीं, कंप्लेन कोई सुनने वाला नहीं है। और निश्चित तौर से यदि केयर टेकर के रूप में देखा जाए, यदि आप देख रेख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप टीटी है, यदि किसी के पास टिकट नहीं तो फाइन तो जरूर काट देंगे सर,
फाइन तो काट देंगे, नहीं है तो सवाल जवाब जरूर कर देंगे, क्या होगा वो तो खैर। लेकिन आज परेशान है, इसके लिए आपने किसको फ़ोन लगाया बताइए? ये तमाम लोग परेशान हैं, ये साफ सफाई नहीं हुआ है, अभी तक सुबह से लोग बाथरूम नहीं गए हैं, यहाँ तक कि सबके साथ मार्शल कंट्रोल को सर मैंने फ़ोन किया, ये चार्ज कंट्रोल नहीं सुना ना आपका? हाँ, आपका भी नहीं सुना ना? फिर भी दोबारा करेंगे, इसका मतलब आपका भी नहीं सुना? जब टीटी साहब का आप देख सकते हैं, तमाम पूरा देश देख रहा है इस वक्त समृद्धि न्यूज़ चैनल पर, पूरा देश देख रहा है, जब टीटी साहब फ़ोन कर रहे हैं तो कंट्रोल नहीं सुन रहा है, तो ये आम पब्लिक, ये जो लोग परेशान है, इनका कैसे सुनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहां से विकास हो रहा है, ये विकास का? हाँ बताइए। मैं दोबारा फिर रिमाइंडर करूँगा, बनारस आने के पहले फिर दो ना, मैं वही कह रहा हूँ सर कि आपको भी दोबारा रिमाइंडर करना पड़ रहा है ना, तो सोचिए कि आम जनता के साथ क्या परेशानी होती होगी और कैसे ये लोग जी रहे हैं। एक तो ट्रेन लेट और ऊपर से कहीं साफ सफाई नहीं, और तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग, इसका निदान कौन करेगा? हम ही करेंगे जब तक हम हमारे पास जो सुविधाएं हैं, हम अपने प्रयास करेंगे। कहां जा रहे हैं सर? कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे आ रहे हैं उधर से। बिल्कुल, हाँ आइए। तो आप देख रहे हैं, पूरा प्रयास करेंगे। जी जी, टीटी साहब है, कहीं जा रहे हैं, कुछ मुंह में गुटखा उठखा लिए होंगे, थूकने जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं यदि हम बात करें, आइए सर, तो कहीं ना कहीं बात करें हम तो तमाम थ्री टायर, खैर तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या स्थिति है, बद से बदतर हुई है, स्लीपर में तो जाना जनरल से भी मुश्किल हुआ है, और जनरल स्लीपर की क्या दशा होती होगी वो भगवान ही जाने, लेकिन टू टायर में ये स्थिति है, और कैसे समस्या से आप लोग, बाथरूम साफ है यहाँ? क्या सर आप बताइए? साफ है ना जी मैडम? बाथरूम में पानी है सर, जमा हुआ पानी, जमा हुआ है ना जी, जमा हुआ है, स्मेल आ रहा है, बहुत दिक्कत है, दिक्कत है ना। हाँ, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि पूछने वाले आप कम से कम आए, अन्यथा अभी तक कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई देखने वाला नहीं, जबकि टीटी साहब यहीं बैठे हुए हैं, इन्होंने कम्प्लेन किया है, हमने कहा तो स्मेल आ रहा है। हाँ, जहाँ जो स्टेशन पे जा रही है वहीं पे 45 मिनट एक घंटा रोक दे रही है। ये स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि टीटी साहब हालांकि कटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भयावह स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं यात्रियों से तो पैसा लिया जा रहा है, सरकार के फंड में पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं रेलवे के पास पैसा जा रहा है, तो आखिर ये सुविधा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं हैं, जो भी काम करने वाले सुपरवाइजर कर्मचारी जो भी है सब है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है ये हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन टीटी साहब फ़ोन पर लगे हुए कि हम फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ फ़ोन कर रहे हैं और किसको फ़ोन कर रहे हैं। जब टीटी साहब की ये स्थिति है, इनका फ़ोन नहीं पिकअप किया जा रहा है, तो आम पब्लिक का फ़ोन कैसे पिकअप किया जा सकता है? मैंने तो सिर्फ दो चार लोगों से बात कराया, पूरा ट्रेन में ऐसे लोग हैं जो कि रहे हैं, ये जो किसी को बाथरूम जाना है, किसी को कुछ करना है, ब्रश तक लोग नहीं किया है, क्योंकि इतना ना पानी जमा हुआ है, इतना गंदगी लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बाथरूम दिखाइए, ये थोड़ा सा साफ सफाई दिखाइए, ये भी दिखाइए। हालांकि हम लोग, मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग टू टायर और फर्स्ट क्लास के बीच में हैं, तो थोड़ा सा इस तरह का माहौल है, लेकिन यदि हम टू टायर में दिखाएं तो जबरदस्त गंदगी फैली हुई है, और ये गंदगी, और छोड़ दीजिए उसको, मत खोलिए, और टीटी साहब लगातार बेचारे तो प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन इनका भी फ़ोन नहीं उठ रहा है, आपका भी फ़ोन नहीं उठ रहा है? नहीं, फ़ोन उठा था, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, फोन मैंने मैसेज दिया था। हाँ। इसके बाद फिर रिमाइंडर बनारस के आने के पहले फिर दूंगा। इस गाड़ी में साफ सफाई करने वाले सुपरवाइजर या और भी कर्मचारी है कि नहीं? हाँ, सुपरवाइजर है। आपने उन लोगों से बात किया है? बिल्कुल, मैंने उनसे कहा, बीटू का मामला आया था। हाँ। तो बोले वो ये हम सफर कोच है, इसकी सफाई जो है, मामला चोक हो रहा है। ये सब बेचारे तो कह रहे हैं कि हम लोगों को पैसा ही नहीं मिलता है, दो दो तीन तीन महीना से हमारा पैसा बाकी है, ये है वो है, साथ ही क्या प्रॉब्लम है ये हाँ। बता सकते हैं आप? एक मिनट, क्या नाम है आपका? प्रेम संघ का पास। आइए आगे, आगे आप कौन है? कोच अटेंडेंस। कोच अटेंडेंस। आपका काम क्या है? दोनों काम कराया जा रहा है हमसे, तो आपसे दोनों काम कराया जा रहा है? क्या क्या? सफाई का काम कराया जा रहा है, चादर बेडरोल दोनों दीवारा जा रहा है। पेमेंट मिलता है? पेमेंट तो कट रहा है सर, बोल रहा है कि चादर शॉर्ट हो जा रहा है, तो ये शॉर्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये गरीब 18,000 पेमेंट मिलता है और इन लोगों को मिलता है 9,000-8,000, यही बात है ना? वो भी 9,000 कहाँ मिल रहा है? वो भी नहीं मिलता है ना, चादर शॉर्ट दिखाया जा रहा है, तो ये शॉर्ट दिखा रहा है सर। ये भयावह स्थिति है, ये बेचारे 18,000-20,000 के पैसा उठता है ये लोगों के नाम पे, लेकिन 9,000 होता है कि आप लोग को मिलेगा, वो भी 9,000 समय से नहीं मिलता है, ऊपर से यदि तौली या कुछ भी चोरी हो जाए तो ये लोगों के पेमेंट से कटता है, वो भी पेमेंट मिलता नहीं है, 2-3 महीने के बाद मिलता है, इसके बावजूद भी ये लोग उम्मीद रखे हैं कि साफ सफाई समय से हो, कहीं ना कहीं
भ्रष्टाचार से लिप्त है और कहीं भी सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है। और हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं जहां योगी जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को बहुत सुंदर बनाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये स्थिति है। तो कहां क्या कहा जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी यथा गथा कहानियाँ कहा जाता है कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, तो आखिर ट्रेनों में भयावह स्थिति क्यों है, इसको देख रेख करने वाला कौन है और क्यों नहीं देखा जाता है? क्या क्या हुआ सर, किसी से बात की क्या भाई? हमारा तो कंट्रोली को बताएंगे अपने, तो कुछ नहीं बताए वो लोग, नहीं बोल रहे हैं। बनारस मैसेज कर दिया है दोबारा, बनारस मुरादाबाद से लोग आ रहा है, जम्मू तवी से आ रहा है, बहुत जगह से लोग आ रहा है, लेकिन बनारस इतने देर के बाद सर ने फोन किया तो बनारस में मैसेज किया गया, जब ये ट्रेन बनारस पहुंचेगी तब जाके साफ सफाई होगा। जी मेरी ड्यूटी लखनऊ से हुई, इसके बाद लखनऊ से, यस, फिर रास्ते में पैसेंजर ने कहा, मैंने कंट्रोल को बता दिया, फिर अभी ये बाबापुर में गाड़ी खड़ी है, फिर मैं कंट्रोल को बता रहा हूँ कि भैया ये प्रॉब्लम है सफाई की। और इसके बाद भी सर, दोस्त सिर्फ आपका दोस्त नहीं है, मैं आपका दोस्त नहीं दे रहा हूँ, दोस्त आपका कहाँ से है, आपका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे टीटी लखनऊ से पहले आए होंगे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया या दिया किसी ने सुना ही नहीं। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो फाइन होगा, विदाउट टिकट आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। टू टायर हो या फिर थ्री टायर हो या फिर स्लीपर हो, कहीं भी हो, दुर्दशा से गुजरना होगा। चाहे आप कितना भी पैसा दे दीजिए, व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है, सारा का सारा व्यवस्था घपाला घोटाला हो जाता है। कहाँ जाता है ये पैसा, समझ में नहीं आता है। आखिर किसके नाम पर और किस लिए ये तमाम सुविधाओं के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, ये पैसा जाता कहाँ है? सरकार को कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और उस पर देखना चाहिए कि आखिर रेलवे की भयावह स्थिति क्यों है। लगातार इसकी समस्या सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, एक न्यूज़ बनाना चाहिए, खबर बनानी चाहिए इस पर, चूँकि इस तरह की खबरें नहीं आती है और यात्री परेशान रहते हैं। कुछ यात्रियों ने बताया कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल को कि कम से कम हमारी आवाज़ को आपने सुना, नहीं तो हम लोग मर रहे थे तब से। ये भयावह स्थिति ये कौन सुनेगा, आखिर क्यों नहीं हो रहा है? तो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए।